तो हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो है कैपकट ऐप पर HDR एंड शेक इफेक्ट वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की वीडियो देखने को मेरे चैनल पर मिलती रहे। और हमारा न्यू चैनल टीम पाकिस्तान ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। बहुत ही ज़्यादा फनी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता है। लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। तो सबसे पहले जो है गाइज आपने कैपकट ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो है गाइज स्क्रीन पर कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास ये ऐप नहीं है तो ऑलरेडी आपको ये प्ले स्टोर में से मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आपने इसे इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर जो है गाइज आपको न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपने न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना है एंड यहाँ से अपनी सिंपल वीडियो सेलेक्ट कर ले और इसे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद जो है गाइस स्क्रीन पर कुछ आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है कैपकट ऐप का। और ये हमारी सिंपल वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो इस तरीके की हमारी वीडियो एंडिंग वाला जो वाटरमार्क है इसे डिलीट कर दें ताकि आपकी वीडियो के एंड में ये ना आए। अब जो है गाइस आपने फिंगर की मदद से वीडियो पर क्लिक कर लेना है और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडजस्ट का, एडजस्ट पर क्लिक कर लें एंड यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्राफ का, ग्राफ पर क्लिक कर लें। यहाँ पर आपको 4 कलर देखने को मिल जाते हैं, आपने वाइट पर क्लिक कर लेना है और लाइन को अप कर देना है, नेक्स्ट लाइन को आपने डाउन कर देना है। फिर इसी तरीके से ऑरेंज पर क्लिक कर लें, इसे अप कर लें और इसे डाउन कर लें। फिर ग्रीन पर क्लिक कर लें, इसे भी यहाँ से अप कर लें और नेक्स्ट इससे से डाउन कर लें। फिर ब्लू को आपने इस तरीके से आप और नेक्स्ट इसे डाउन कर लेना है। इसे ओके करने के बाद ये आपने सेटिंग करनी है। आप बैक आ जाएं, इसी तरीके से आपको नीचे इफेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इफेक्ट पर क्लिक कर दें, वीडियो इफेक्ट पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लिखा लेंस, लेंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ब्लर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपने ब्लर पर क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्लर का ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखें यहाँ पर लिखा है ब्लर, इसे सेलेक्ट कर लें और इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद इसे एडजस्ट करके आपने इनक्रीज कर लेना है जहाँ तक आपकी वीडियो है, ठीक है गाइस। अब जो है आपने फर्स्ट के आर पर क्लिक कर लेना है और इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में। तो ये वीडियो आपकी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है गैलरी में। आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, जैसा कि सैंपल मैंने आपको दिखाया है इसी तरीके की वीडियो आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, यह मैं ट्यूटोरियल आपसे शेयर कर रहा हूँ। फिर आपने डन पर क्लिक कर देना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से अपनी सिंपल वीडियो सेलेक्ट कर लें और इसे ऐड कर दें। ऐड करने के बाद नीचे ओवरले लिखा हुआ है, ओवरले पर क्लिक कर दें। ऐड ओवरले पर क्लिक करके जो ग्राफ वाली वीडियो एडिट की थी वो सेलेक्ट कर लें और इसे आपने टू फिंगर की मदद से एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से। फुल स्क्रीन आपने एडजस्ट करना है अच्छे तरीके से ताकि यहाँ पर ये फिट हो सके। फिर नीचे आपने सप्लाइज पर क्लिक कर लेना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। फिर यहाँ पर आपने बर्न पर क्लिक कर देना है। बटन पर क्लिक करने के बाद जो है गाइस आपने इसे 71% रखना है और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको वीडियो इस तरीके से देखने को मिल जाती है यहाँ पर। एंडिंग वाला जो वाटर मार्क है इसे डिलीट कर दे ताकि आपकी वीडियो के एंड में ये ना आए। अब जो है गाइस आपने फर्स्ट के आरो पर जाकर इस वीडियो को भी एक्सपोर्ट कर लेना है गैलरी में। तो ये वीडियो भी आपकी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है गैलरी में। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल पर न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इस तरीके की वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मेरे चैनल पर मिलती रहे। तो ये वीडियो भी एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है गैलरी में। आपने फिर से डन पर क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लें और जो अभी वीडियो एक्सपोर्ट किया वो सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद जो है गाइस ये वीडियो यहाँ पर आ चुकी है, आपने वीडियो पर क्लिक कर लेना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको इस तरीके के ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है एडजस्ट, एडजस्ट पर क्लिक कर ले, ब्राइटनेस पर क्लिक कर ले और इसकी ब्राइटनेस आपने इन पॉइंट में एडजस्ट कर लेनी है 31। फिर कॉन्ट्रास्ट पर आ जाएं, इसे आपने 47 और सैचुरेशन पर आ जाएं, इसे आपने 43 32। तो 30 तक आपने इसे एडजस्ट करना है। फिर यहाँ पर HSL लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर लें, येलो कलर सेलेक्ट कर लें और येलो कलर पर आपने लाइन को इस तरीके से यहाँ पर 48 तक रखना है। सेकंड लाइन को आपने यहाँ पर इंक्रीज करना है 62 और इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो है गाइस आपने इस तरीके से वीडियो देखने को मिल जाती है। फिर आपने जो है गाइस यहाँ पर नीचे एडजस्ट पर चले जाना है, फिर यहाँ पर ब्राइटनेस पर आ जाना है गाइस। ब्राइटनेस को आपने जो है गाइस यहाँ पर 45% रख लेना है। अब आपको देखें वीडियो HDR में इस तरीके से देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग में देखने को मिल जाती है, ठीक है गाइज। यहाँ पर आपने वीडियो पर क्लिक करके वॉल्यूम ऑफ कर लेना है और यहाँ पर आपने इसके पार्ट स्प्लिट करते आने हैं इस तरीके से। फिर मैं आपको प्ले करके भी दिखाऊंगा कि आपकी वीडियो किस तरीके से क्रिएट हुई है। तो हम इसे इस तरीके से स्प्लिट करते आएंगे गाइज। तो यहाँ पर हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं गाइज। आपने वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना, इस तरीके की वीडियो टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा वायरल जा रही है। अगर आप ये वीडियो क्रिएट करके अपलोड करोगे तो आपकी वीडियो ज़रूर
वायरल होगी। तो आपने अब फर्स्ट पार्ट पर क्लिक कर लेना है, नीचे लिखा है एनिमेशन, एनिमेशन पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आपके सामने इस तरीके के एनिमेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है जूम वन एंड जूम टू, ये टू एनिमेशन आपने सब पार्ट पर एडजस्ट करके लगा देने हैं। तो आप जूम टू और लाइन को इनक्रीज कर लें, फिर जूम वन और लाइन को इनक्रीज करते हैं, फिर जूम टू, फिर जूम वन, इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लाइन को इनक्रीज करते हैं और फिर जूम टू और नेक्स्ट जूम वन। तो आपने लाइन को भी इनक्रीज करते आना है, फिर जूम टू और फिर आपने इसी तरीके से जूम वन और नेक्स्ट आपने इसी तरीके से जूम टू और यहाँ पर गाइस आपने फिर से इसी तरीके से जूम वन। तो यहाँ पर जूम वन या फिर रोल राइट भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है गाइस आपने शेक डाउन ऐड कर लें और लास्ट में जो है गाइस यहाँ पर आप इसी तरीके से कोई भी एनिमेशन यहाँ पर मिनी जूम वाला सेलेक्ट करके ऐड कर दें। आप जो है गाइस यहाँ पर नीचे आपको ऐड ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक कर लें और एक्सपोर्ट पर क्लिक करके जो भी साउंड आपका रियल होगा या टिकटॉक ट्रेंडिंग में होगा वो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ आपको वीडियो HDR एंड यहाँ पर ब्राउन कलर ग्रेडिंग एंड यहाँ पर आपको शेक इफेक्ट में देखने को मिल जाती है। ठीक है गाइज, यहाँ तक कोई भी बात समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ तक कोई भी बात समझ ना आए तो इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, फर्स्ट के एरो पर क्लिक कर दें, आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होना स्टार्ट हो चुकी है गैलरी में। तो मैं स्त्री टेक्निकल वीडियो अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।